इडियट, सब के सब ऐसे ही छोड़कर चले गए। इससे पहले किसी और के हाथ लग जाए मुझे ही उन्हें ढूंढना होगा। कौन है? कौन है वहां? मैंने तुम्हें देख लिया है, बाहर आ जाओ। मैं कहता हूं, कौन है वहां? बाहर आओ, देखो जो भी है बाहर आ जाओ। कौन है वहां? मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचने समझने लगा हूं। कौन हो तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटा आप ठीक से रहना। आपकी जो नई मम्मी पापा है ना, उनको तंग नहीं करना, वे तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। देखिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, आप इसे ले जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, यस हेलो मैम, मैं टीना, आप मनीषा जी हैं ना? ओह टीना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हो गया तुम आ गई, तुम आज से ही ज्वाइन कर रही हो ना? जी मैम। तुमने आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पढ़ ही लिए होंगे। जी। चंदन, ये टीना मैडम है, इनका सामान इनके कमरे तक पहुंचा दो, ये बच्चों की नई केयरटेकर है। आपको पूरी जगह दिखा देते हैं। ये हॉल है और उस तरफ ऑफिस है हमारा।
चलो ऊपर। ये डाइनिंग एरिया है, सारे बच्चे यहीं एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। चलो ये बच्चों का सबसे बड़ा कमरा है, इसी तरह के तीन छोटे कमरे और हैं उस तरफ। ये आश्रम की टेरेस है, इस तरफ मेरा कमरा है और ये इस तरफ तुम्हारा। सामने जितने भी कमरे देख रही हो ये सब बच्चों के हैं। चलो बच्चों सभी इधर आओ। ये टीना मैडम, तुम सबकी नई केयर टेकर, कल से यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। चलो हेलो कहो इनको। हेलो टीना मैडम। हेलो, पर ऐसा सैड सैड हेलो नहीं चलेगा। चलो हम टॉफी खा के एक दूसरे को जाते हैं। ये आश्रम की बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसका जो वो वाला हिस्सा तुम देख रही हो ना, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, इसलिए मैं बच्चों को उस तरफ नहीं जाने देती। तुम भी खास ख्याल रखना इस बात का। जी मैम। चलो टीना, इस तरफ क्या है? टीना उस तरफ कुछ नहीं है। टीना, टीना रुक जाओ। टीना, मैंने कहा ना रुक जाओ। पर ये गेट क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, ये भी आश्रम की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है, काफी सालों से बंद पड़ा है, इसलिए अब यहाँ किसी का भी आना जाना मना है। चलो यहाँ से। अच्छा तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में और जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। कहीं गलती से कोई बच्चा उस गेट की तरफ तो नहीं चला गया? मुझे देखना चाहिए। कौन रो रहा है?
अच्छा तो यहाँ मस्ती हो रही है बेटा, यहाँ आना मना है ना? कौन हो तुम लोग? बाहर आओ। मैं टीना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, चलो बाहर आओ वरना मैं आ रही हूँ। बस करो, बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। मैं आ रही हूं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? यही रहते हैं। यहाँ रहते हो? तुम दोनों तो बहुत क्यूट हो। क्या नाम है तुम्हारा? ऋषि। कौन है यार? मैं टीना हूँ, यहाँ की नई केयरटेकर। पहले तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या हाल बना रखा है? टीना, टीना, कहाँ हो तुम? शायद मनीषा मैम उठ गए हैं, मैं उनसे बात करके आती हूँ, ठीक है? तुम लोग रुको। मनीषा जी, क्या कर रही हो? मनीषा जी, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? टीना, चलो यहाँ से। अंदर बच्चे मनीषा जी। मैंने कहा ना, चलो चुपचाप। मैम, आप मेरी बात तो सुनिए। बस करो टीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ अंदर जाने की? तुम्हें कहा गया था ना कि यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ना मतलब नहीं तोड़ना। मैम, आप नाराज क्यों हो रही है? और आपने गेट क्यों बंद किया? आपको पता है अंदर दो बच्चे हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि अंदर कोई नहीं है? आप चलिए मेरे साथ और गेट खोलिए, हमें उन बच्चों को बाहर निकालना होगा। वो बच्चे बाहर नहीं आ सकते हैं, उन्हें वहीं पे रहना होगा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी लेकिन अब बताना ही पड़ेगा। वो बच्चे बीमार हैं और उनको जिस तरह की बीमारी है ना, अगर बाकी बच्चों के साथ रहे तो सब बीमार हो जाएंगे, इसलिए उनका वहीं पर रहना जरूरी है। मैम, अगर बच्चे बीमार हैं तो हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हम उन्हें ऐसे दूर अंदर बंद करके कैसे रख सकते हैं? मैम, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं कर रही हूँ उनकी देखभाल। तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है टीना। आपको याद भी है आप कितने समय से अंदर नहीं गई हैं? आपको पता है, आपने देखा है कि किस हाल में है वो दोनों? कुछ नहीं है अंदर, ना खाना ना पानी, गंदे कपड़े, गंदे बिस्तर, गिरती हुई दीवारें। मैम, अगर कोई बीमार है तो हमें उसका और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ना? तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके सारे इंतजाम कर रखे हैं मैंने। उनके साथ अगर तुम रही ना तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी,
और नौकरी करने के लायक नहीं रहोगी। और तुम्हें नौकरी की कितनी जरूरत है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। पर मैम आप मेरी बात तो सुनिए। चुप, बिल्कुल चुप। जितना कहना था कह चुकी, अब चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। टीना यहाँ पे क्या कर रही है? ये डॉक्टर वहां क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब सुनिए, टीना। डॉक्टर, ये हैं वो बच्चे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। यह है स्वाति और यह है ऋषि। डॉक्टर आप इनका फुल बॉडी चेकअप कीजिए और जो भी टेस्ट करने हैं कीजिए। प्लीज देखकर बताइए कि इन्हें क्या हुआ है। टीना, टीना बाहर आओ। मैं अभी आती हूँ। बच्चों इन्हें अपना बॉडी चेकअप करने देना, ठीक है? अच्छा। टीना, टीना बाहर आओ। अच्छा। टीना। अच्छा अब मैं आप लोगों का चेकअप करूंगा। बताइए पहले किसका करूं? तुमने एक डॉक्टर को बुलाया यहाँ पर क्यों? क्योंकि मैम आप ही ने कहा था ना कि बच्चों को बीमारी है, तो डॉक्टर ही तो देखकर बताएंगे ना कि क्या ट्रीटमेंट करना है। टीना मैंने कहा था उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब डॉक्टर को बाहर बुलाओ, बंद करो ये सब। कौन सा ट्रीटमेंट मैम? मैंने तो किसी डॉक्टर को आते जाते नहीं देखा है और ना ही बच्चों के पास कोई दवाई है। मैम हम कब तक इन्हें ऐसे बंद करके रखेंगे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब सुनिए तो, क्या हुआ डॉक्टर? देखा मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, बच्चों को ऐसी बीमारी है उनके पास अगर कोई जाए या उनको छुए तो उसे भी लग जाती है। अब निकलो यहाँ से, चलो। डॉक्टर ऐसे कैसे बिना बोले? दीदी अब आप भी हमें छोड़कर चले जाओगे, हमारे साथ नहीं रहोगे? नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब जाओ तुम दोनों आराम करो, ठीक है? मैं आती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा डॉक्टर ने क्या देख लिया कि बगैर बताए भाग गए। मुझे डॉक्टर से पूछना होगा। Yeah, I'm sorry.
मैं किसी को कुछ कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं, मनीषा जी, काका ने बताया है कि अडॉप्शन के लिए एक फैमिली आई है, चलिए बच्चे भी तैयार होंगे। अच्छा, आइए। मनीषा जी, क्या हुआ, आप ठीक हैं? नहीं, बस वो थोड़ी सी तबीयत खराब है। अरे, ऋषि और स्वाति यहाँ नहीं है? यहाँ कैसे हो सकते हैं वो? मैंने तुम्हें कहा था ना, तबीयत खराब है उनकी। हाँ, इसलिए तो उनका यहाँ होना जरूरी है। क्या पता मनीषा जी, ये कपल उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हो जाए, उनको नई जिंदगी देना चाहे। टीना, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी मिस्टर कमल, मिसेस दीपा, एक्चुअली इन बच्चों के अलावा यहाँ दो बच्चे और हैं, बहुत प्यारे। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, आइए। चलो। आइए बच्चों, देखो आप लोगों से कौन मिलने आया है। इसका नाम है ऋषि और ये प्यारी सी बच्ची है स्वाति। हेलो बच्चों, मेरा नाम है कमल और ये है मेरी वाइफ दीपा। दीना जी, इन्हें यहाँ अलग से क्यों रखा हुआ है? एक्चुअली इनकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, बट आई एम श्योर कि एक अच्छे डॉक्टर और ट्रीटमेंट से ये बेटर हो सकते हैं, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पर आप इन्हें अपना कर एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये, इतना वार्म्थ है इनमें कि जिस फैमिली में जाएंगे ना, उसे कंप्लीट कर देंगे। बेटा इधर आओ मेरे पास। कम बेटा, आप चलोगे हम हमारे साथ? दीदी, ये कौन है? बेटा, अगर आप अच्छे बच्चे बनकर रहोगे ना, तो ये आपको अपने घर लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको एक अच्छी लाइफ देंगे, आपको ढेर सारा प्यार करेंगे। लगता है आपसे बहुत प्यार करते हैं दोनों। जी, एक्चुअली मेरे साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं। हम इस बच्ची स्वाति को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। शी इज़ वेरी स्वीट। अरे वाह स्वाति, सुना तुमने, ये आपको अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं यही रहूंगी। स्वाति बेटा, ऐसा नहीं कहते, सुनो सुनो मेरी। देखो, लाइफ में जो मम्मी डैडी दे सकते हैं ना, वो और कोई नहीं दे सकता। टीना जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम स्वाति का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे और उसका बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, पेपर वर्क पूरा कर लेते हैं। श्योर। स्वाति बेटा, आप आ जाओ। चल। आओ। ये है तुम्हारा प्यारा नया घर। और ये देखो, हम आपके लिए कितने सारे टॉयज लेके आए, ये देखो। बहुत अच्छे हैं। और ये देखो, कल हम आपके लिए जाकर बहुत सारे कपड़े लेकर आएंगे, ओके? कमल, या? एक मिनट यहाँ आइए। अब बेटा आप खेलो, मैं आ गया। यस। ये क्या है कमल, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेते ना तुम। एडॉप्ट करके लाए, फिर भी ये बीमार बच्ची को लेके आए तुम। कैसी बातें कर रही हो दीपा, तुम बीमार है, ठीक हो जाएगी।
मुश्किल में हमारा साथ दे रही है ना, हम भी तो उसका सहारा बन सकते हैं ना। ओह प्लीज कमल। बस दीपा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, वो बच्ची है वो। मम्मी प्यास लगी है, पानी पीना है ना तो खुद अंदर जाके पानी पी लेना। तुम्हारा ये सब काम करने नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पर। अरे आओ बेटा, आ जाओ। कम तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया? तुम्हारा खाना पीना सब कुछ मैं वही भिजवा दूंगी। अरे जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रही हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटी है हमारी वो। हमारी नहीं, तुम्हारी। मैंने पसंद नहीं किया था उसे। अरे हाँ, इतने सारे प्यारे बच्चे थे फिर भी तुम इस बीमार को ले आए। मुझे तो नहीं रहना उसके साथ। जाओ। इस लड़की को बात समझ में क्यों नहीं आती? समझा समझा कर थक गई मैं। पहले विक्रम की मौत हुई और फिर उस डॉक्टर की। अब इस टीना ने स्वाति को किसी और के घर भेज दिया है। पता नहीं वहां पर क्या होगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसे सब कुछ सच बताकर उन दोनों से दूर करना होगा। उसे मैं सब कुछ बता देती हूँ। माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। नादिति को हमसे अलग करोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज। लेकिन मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। इतने वक्त से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, मेरी कोई गलती नहीं। कैसी आवाज थी? लगता है कोई बुरा सपना देखा होगा। आवाज कहां से आ रही है? जरूर स्वाति होगी। इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है। अभी बताती हूँ उसे। स्वाति,
मौती, ये सब क्या है? अभी तुझे बताती हूँ मैं। कौन? कौन हो तुम? तू मुझे बताएगी, मुझे डांटेगी, मुझे बंद करके रखेगी। तुझे नफरत करती है ना? अब मैं बताती हूँ कि नफरत क्या होती है। ये आवाज कैसी? दीपा, स्वाति, ये क्या कर रही है तू? रुक जा, स्वाति, दीपा, क्या हो गया तुम्हें दीपा? रुक, बंद कर, मैं कहता हूँ। दफा हो जा यहां से, मोड़ डालूंगा मैं तुझे। मेरी मति मारी गई थी जो मैं तुझे इस घर में लाया, चली जा। तू मुझे निकालेगा, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। स्वाति, तुम यहाँ कैसे आई? वो मुझे आपकी और ऋषि की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने न्यू पापा से कहा कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ, तो वो मुझे यहाँ छोड़ कर? ऐसे कैसे छोड़ गए? ना कोई फोन, ना खुद आए, ठीक हो, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? स्वाति, ये क्या हुआ है? चोट लगी है तुम्हें? दिखाओ। चोट तो नहीं लगी है, तुम ठीक हो ना? अच्छी से पूछती हूँ। मनीषा मैम कहाँ चली गई? शैला जी? हाँ, आपने मनीषा मैम को कहीं देखा? नहीं, सुबह से तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है। अच्छा, हो सकता है काम से कहीं बाहर गई होंगी, मैं देखती हूँ, आप चलिए। जी मैम, फोन करती हूँ। मिस्टर कमल ना तो खुद है और ना ही उनका फोन लग रहा है। स्वाति घर वापस कैसे जाएगी? ये सब हो क्या रहा है? कहीं स्वाति की बीमारी की वजह से तो वो लोग इसे यहाँ नहीं छोड़ के चले गए? क्या बीमारी है
मनीषा मैम कुछ तो छुपा रही हैं मुझसे, वरना वो डॉक्टर वो भी ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। इन फाइल्स में मेडिकल रिपोर्ट्स के कुछ पेपर्स होने चाहिए जिनसे बीमारी का पता चल सकता है। स्वाति और ऋषि की मिसिंग रिपोर्ट्स, इसलिए मनीषा मैम ने तुम दोनों ठीक हो ना? स्वाति, ऋषि, मैं तुम दोनों के फाइल्स चेक कर रही थी और तुम दोनों के लापता होने के रिपोर्ट, क्या है ये सब, क्या हुआ था? इतना आसान नहीं है राका, बच्चों के कागजात पर दिखाना पड़ता है कि ये बच्चे एडॉप्ट हुए हैं। अगर सरकार को पता चल गया कि यहां से बच्चे, तो सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब के सब अंदर जाएंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों को क्या करना? दो बच्चों को विक्रम भिखारी के यहाँ और ये छोटे लड़के को सुरेश की गैराज में। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, कल डिलीवरी होने के बाद अपने पैसे ले लेना। ठीक है सर। और मनीषा, एक मिनट, मुझे लगता है उन बच्चों ने हमारी सारी बातें सुन ली है। जाओ पकड़ो उन्हें। तो बताओ बच्चों, तुम दोनों ने बाहर क्या सुना? हमने सब सुन लिया। ये सब गलत है, आप सब गंदे हो, मैं सबको ये बता दूंगा। बताओगे? सुना राका, ये बच्चे सबको सब कुछ बता सकते हैं। काम हो जाएगा सेठ। मुंह बंद करके दोनों को ठिकाने लगा दो। तुम्हारा मतलब है कि उस रात को तुम दोनों को गुंडों ने, इसलिए जब विक्रम अंकल आखिरी बार हमारे खून का सबूत मिटाने आए तो हमने उन्हें मार डाला। मनीषा मैडम को भी मार डाला। मनीषा जी को, वो हमें आपसे दूर ले जाना चाहती थी लेकिन हम आपके साथ रहना चाहते हैं। डॉक्टर अंकल आपको हमारी असलियत बताना चाहते थे इसलिए उन्हें भी खत्म कर दिया। दीदी, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। मैंने नए मम्मी डैडी को भी मार दिया, वो मुझे आपसे दूर ले गए थे ना, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ दीदी, आपके अलावा कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, इसलिए हम यहाँ ही रह गए। और अगर किसी ने हमें आपसे दूर करने की कोशिश की तो उन्हें भी मार डालेंगे। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे दीदी। क्या कर दिया, सोचा कुछ और था और है कुछ और। अगर इन दोनों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाई वे लोग कभी नहीं रुकेंगे, मौत पे मौतें होती रहेंगे, कैसे रोकूं उन्हें,
क्या करूं? क्या करूं मैं? रुक जाओ दीदी। हमसे दूर जाने की कभी कोशिश मत करना, वरना गुंडों ने इन्हें मार के इसी घर के नीचे दफना है। मुझे मुझे इस घर को चलाना होगा, तब ये खत्म हो सकते हैं। के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।